और इतने हाइट पे आने का फायदा ये है कि यहाँ चंदा मामा कुछ ज्यादा ही बड़े लग रहे हैं, और रोशनी अभी भी है बट स्टिल वी कैन सी चंदा मामा। वेलकम टू द मून लैंड, इंजॉय द मून लैंड। वाओ, ये एब्जॉर्ब करने में कभी कभी मैं एकदम से देखता हूँ जब इस पहाड़ को, तो रियलाइज होता है शिट मैं कहाँ आ गया, और थोड़ा सा डर भी लगता है कि ओह माय गॉड व्हाट एम आई इन फ्रंट ऑफ दिस ह्यूमंगस माउंटेन। बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक पीस, एक मेडिटेटिव एक्सपीरियंस है यहाँ पे चलाना बाइक। इन द लैंड ऑफ लामा डोंट बी गामा। तो गाइस, खलसी के आगे आपको एक चेक पोस्ट मिलेगा जहाँ पे व्हीकल की एंट्री करानी पड़ती है, तो हमने करा दी और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। बट द थिंग इज कि अब मुझे यहाँ से हल्का हल्का सा सांस लेने में स्ट्रगल फील हो रहा है। That's a fact. शायद ऑक्सीजन डेंसिटी थोड़ी सी कम हुई है, और अब जैसे जैसे हम ले के और करीब पहुंच रहे हैं, ले इज़ लाइक 97 किलोमीटर फ्रॉम हियर, पीछे मैंने माइलस्टोन देखा था, तो उस वजह से हो सकता है कि थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऐसा फील हो कि सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। बट जैसे मैं अभी बाइक पे बैठ गया, चला रहा हूँ, अब उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहा हूँ। जैसे मैं अभी झुका, मैंने सामान उठाया, दौड़ा विशाल भाई को बैटरी देने के लिए, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगा। तो गाइस, एज वी नो कि लद्दाख जो है एक रेन शैडो रीजन है जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है, तो इसी वजह से यहाँ पे सन जो है वो बारह महीने काफ़ी ब्राइट रहता है। हाँ, विंटर्स के टाइम पे लो हो सकता है, बट फिर भी सन रहता है। तो ज़्यादातर मंथ्स में जब सनलाइट अच्छे क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो यहाँ सोलर पावर जो है इज़ अ गुड सोर्स ऑफ पावर फॉर दिस रीजन। तो इसीलिए मैंने देखा एक यहाँ पे स्पेशली कारगिल ऑनवर्ड्स मैंने कई जगह पे देखा कि वो लोग सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं फॉर हीटिंग ऑफ वाटर, फॉर पावरिंग, फॉर यूजिंग एज अ पावर बैकअप इन केस देयर इज अ पावर कट। सो यहाँ पे कुछ ग्रीनरीज दिख रही हैं जो कि जनरली पिछले आधे घंटे एक घंटे से हमें नहीं दिख रही थी, वो यहाँ दिख रही है। पेड़ पौधे, थोड़ी बहुत ग्रीनरी पैचेस, बिकॉज लद्दाख इज अ बैरन हिल माउंटेन रीजन, वट एवर यू कैन से। सो यहाँ पे बारिश वगैरह भी ज़्यादा नहीं होती है, बट फॉर आवर सरप्राइज दिस इज द ग्रीनरी वी आर सीइंग हियर। तो एक साइड में बैरन माउंटेन जहाँ पे स्टोन है, मिट्टी है, स्लश है बारिश के टाइम पे, और दूसरी साइड पे है ये ज़बरदस्त ग्रीनरी। वाह, नेचर प्लेइंग ट्रिक्स ऑन अस। तो गाइज, ये है रोड ले के लिए। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट में देखोगे
तो यहाँ पे आपको ये बोर्ड दिखेगा जहाँ पे लिखा है ले इज 35, खारदुंगला इज 75, चांगला इज 110, नुब्रा 195, सोमरेरी 255 एंड पैंगोंग 258 किलोमीटर्स पे। तो ये रोड स्ट्रेट आप लोगे अगर, तो ये NH1 है और ये लेक के कनेक्ट होता है। अगर मैं इधर घूम जाऊँ राइट की तरफ, यहाँ इस पॉइंट से अगर आप स्ट्रेट ना जाके राइट लोगे तो ये आपका अलग रूट पे पकड़ता है। ये चिलिंग, निराक, पदम, दारचा, मनाली और चंडीगढ़। सो अगर आप चंडीगढ़ या मनाली की तरफ जाना चाहते हो तो इस पॉइंट से आपको यहाँ पे राइट लेना होगा। अगर आप लेह से भी दारचा या मनाली की तरफ जाना चाहते हो तो इधर आके और फिर ये घूम के यहाँ पे जा सकते हो। मुझे पता नहीं है कि लेह से एग्जैक्टली आगे जाके भी कोई रूट है जो हम ले सकते हैं या नहीं, बट यहाँ पे ये डिफरेंस है एंड आई जस्ट वांटेड टू शो यू दैट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, वी आर एट द मैग्नेटिक हिल और यहाँ पे कुछ लोग टेस्टिंग करके देख रहे हैं। तो इस पॉइंट पे, ये मार्क पॉइंट जो है यहाँ पे, इस पे आप अगर न्यूट्रल करके गाड़ी को रखोगे तो ये अपने आप पीछे जाती है गाड़ी। नॉट श्योर हाउ दिस इज मैग्नेटिक, कुछ समझ में आ रहा है मैग्नेटिक है कैसे? अगर उस पे चढ़ती तो समझ में आता है। वही एग्जैक्टली, क्योंकि देखने से लग रहा है कि ये स्लोप है ऊपर की तरफ, अगर पीछे जा रहा है तो वो तो सही है ना, ऑब्वियस है ग्रेविटी खींच रही है, फिर का है मैग्नेटिक? नॉट श्योर। तो ये भी ऊपर की तरफ है लेकिन देखने में क्यों नहीं लग रहा है? हो सकता है ऐसा ही ऑप्टिकल इल्यूजन है। चले, हम देख सकते हैं हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब के पास में। फीट की ऊंचाई पे गुरुद्वारा पत्थर साहिब, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। और ये गुरुद्वारा पत्थर साहिब जो है ये कम्प्लीटली मेंटेन किया जाता है हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा, तो एक बहुत खूबसूरत और मस्ट विजिट वाहे गुरु जी, मस्ट विजिट प्लेस। और इतने हाइट पे आने का फायदा ये है कि यहाँ चंदा मामा कुछ ज़्यादा ही बड़े लग रहे हैं और रोशनी अभी भी है, बट स्टिल वी कैन सी चंदा मामा। तो चंदा मामा दूर के, इसके आगे मुझे याद नहीं है। बट अद्भुत नज़ारा, नो ड्रोन जोन। तो ये भाइयों और बहनों, यहाँ पे ड्रोन मत उड़ाना वरना लंका लग सकती है। तो गाइस, ये लेफ्ट राइट साइड में आप जो लाइट्स देख रहे हो दैट इज लेह सिटी, और अराउंड 3-4 किलोमीटर और जाना है, उसके बाद विल एंटर लेह सिटी। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना, गुमसुम सा है, चुप चुप सा है, मदहोश है, खामोश है, ये समा, हाँ ये समा कुछ और है।